Hello friends, welcome to the next lecture in the oceanography series. तो आज हम oceans के दो जो important parameters हैं oceans के temperature and salinity उनके बारे में पढ़ेंगे कि temperature ocean का किस area में कितना होता है, how it varies, कौन कौन से factors हैं जिनके कारण वो vary करता है, तो इस सब को हम पढ़ेंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हम सब इसके बाद पढ़ेंगे. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ आर यूट्यूब चैनल. तो इसको आप स्लाइड को देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर पेड कोर्सेज वेर यू विल गेट द इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम द मेंटर्स. कोई भी आपका हेल्प आप पर्सनल लेवल पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कोई भी इशू होगा. तो यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड एंड कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी मोर डिटेल्स. देन वी कम टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर. तो एक कॉन्सेप्ट होता है इंसोलेशन का. इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ रीजन. तो ये हम क्लाइमेटोलॉजी जब सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे उसमें जो है ये कॉन्सेप्ट आपके आएंगे. बट फॉर नाउ देर इज एन इंसोलेशन. तो जिस एरिया में जितनी सनलाइट आएगी तो इट इज़ ऑब्वियस कि उतना ज़्यादा ही उस एरिया का टेम्परेचर होगा. तो ओशियंस में भी यही होता है कि इफ़ दिस इज़ योर अर्थ, दिस इज़ योर इक्वेटर, तो इस रीजन में देर इज दिस मैक्सिमम सनलाइट एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स सनलाइट जो है वो मिनिमम होती चली जाती है. तो टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होता रहता है एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर. तो ये सिंपल सा आप इसकी हॉरिजॉन्टल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सरफेस पे इक्वेटर पे कितना टेम्परेचर है और आगे उसके बाद फिर आपका ये दिस इज द सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन टिल 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ. दिस इज द टेम्परेट रीजन टिल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 66 एंड हाफ डिग्री साउथ. एंड देन दिस इज द पोलर रीजन. ये जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं ये हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में. बट फॉर नाउ दीज आर वेरियस रीजन्स ऑन अर्थ. तो इंसोलेशन क्योंकि घटती रहती है तो आपका टेम्परेचर है. सो इफ दिस इज योर ग्राफ, दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर एंड दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 90 डिग्री साउथ, दीज आर द पोल्स. तो इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम मिलेगा एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली टिल इट रीचेज द पोल्स. पोल्स पे ऑलमोस्ट 0 डिग्री होता है टेम्परेचर. तो दिस इंडिकेट्स योर टेम्परेचर. तो दिस इज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दिस इज मिनिमम टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जो है आपका वो डिक्रीज होता रहेगा. एंड सेम हैपन्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर बट हेयर इट इज लिटल मोर ग्रेजुअल एंड एवरेज टेम्परेचर इज लिटल बिट लोअर. ये क्यों होता है ये बाद में पढ़ेंगे. बट फिलहाल इस तरह का कोई ग्राफ जो है आपका बनता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल्स की तरफ जाते जाते टेम्परेचर आपका कम होता जाता है क्योंकि पीक इसमें एक ही है. तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल मैक्सिमा. इसी रेज को सिंगल मैक्सिमा ग्राफ कहते हैं. तो मेजरली इसमें यही चीज़ें हैं कैसे अब होता है डिफरेंस टेम्परेचर का उसको हम पढ़ते हैं. तो टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर वेरीज बोथ स्पेशली एज वेल एज वर्टिकली ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग बाय सोलर एनर्जी. तो जितना क्योंकि सरफेस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसोलेशन है, फिर वर्टिकली हम देखें सरफेस पे ज़्यादा हीट आती है, नीचे ओशन में कुछ डेप्थ पे हीट कम आती है, फिर और डेप्थ पे जाएंगे तो हीट वहाँ आती ही नहीं है. तो टेम्परेचर जो है अलग अलग वेरी करता है. द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एट द रेट ऑफ 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड. जैसे मैंने बताया इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स एट अ रेट ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड. दिस इज अ फेयर एवरेज नॉट एग्जैक्ट. तो इसी कैलकुलेशन से अगर हम देखें एवरेज हमारी क्या निकलती है, टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री लैटिट्यूड इज 22 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री लैटिट्यूड इज 14 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ 0 एट पोल्स. एवरेज जो सरफेस टेम्परेचर है इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस.
तो इसी कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो 27 से 22 डिग्री 20 डिग्री तक पहुँचे तो 22 डिग्री टेम्परेचर रह जाएगा आपका. तो एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स आपका जो टेम्परेचर है वो घटता रहेगा. देन वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग दी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. हम आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड अगर आपका इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो आपकी इंसोलेशन मैक्सिमम है तो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा. और लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता रहेगा बोथ नॉर्थ एंड साउथ आपकी इंसोलेशन घटती रहेगी टेम्परेचर आपका घटता रहेगा. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. अब एक प्रॉपर्टी होती है लैंड एंड वाटर की कि लैंड जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है. वाटर जो है इट ट्राइज टू रिटेन इट्स टेम्परेचर. तो वो उसको हीट करने के लिए अगर लैंड का टेम्परेचर 1 डिग्री के लिए बढ़ाना है तो सपोज हमें सेम सनलाइट आधे घंटे के लिए चाहिए. वाटर का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री बढ़ा रहा है तो सेम सनलाइट हमें 2 घंटे के लिए चाहिए क्योंकि वाटर ट्राइज टू रिटेन इट्स टेम्परेचर. उसके बाद फिर लूज भी अगर टेम्परेचर करेगा तो लैंड जो है उतनी जल्दी लूज भी कर देगा, ओशन जो है इतनी जल्दी लूज भी नहीं करेगा. तो वाटर टेम्परेचर डजंट चेंज दैट इजीली. तो जो भी गर्मी का टाइम है या आपकी से इंडियन कोस्ट है तो वाटर जो आपके इंडियन कोस्ट के पास होगा क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा. जब लैंड ये ठंडा होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है ठंडा भी हो जाएगा. तो दिस इज़ द लैंड के आसपास की जो एरियाज़ हैं जो करंट्स वहाँ पे फ्लो करते हैं ओशन करंट्स हम पढ़ेंगे आगे. तो जो पानी वहाँ होता है दैट इज़ यू नो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द लैंड. तो सिंस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज़ मोर लैंड मास ओशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैव हाई मीन टेम्परेचर देन इन सदर्न हेमिस्फेयर. तो आपने वर्ल्ड मैप देखा है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पूरा लैंड ही है. तो क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है तो ओशन का जो टेम्परेचर है इट टेंड्स टू बी अ लिटिल बिट हायर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देन इट इज़ इन सदर्न हेमिस्फेयर. तो उसका एवरेज टेम्परेचर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 19 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज टेम्परेचर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 16 डिग्री सेल्सियस इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो जैसे उसका मैंने डायग्राम भी बनाया था ग्राफ का. तो इफ दिस इज योर इक्वेटर तो इसका टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड पे रहता है. इट गोज लाइक दिस एंड इन सदर्न हेमिस्फेयर इट गोज़ लाइक दिस. तो दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ दिस इज 90 डिग्री साउथ. तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे जाता है क्योंकि इसका जो लैंड एरिया है उसके कारण से टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है एंड इट इज़ मोर ग्रेजुअल. देन वी हैव द प्रिवेलिंग विंड्स. विंड्स का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कि जैसे आपकी आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं. ट्रेड विंड्स क्या होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे इन क्लाइमेटोलॉजी. बट ट्रेड विंड्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. अब ये पानी को क्योंकि इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट तो पानी को वेस्ट की तरफ ले जाती हैं. तो यहाँ क्या होता है कि जब पानी इधर से चला गया तो इस पानी की डेप्थ को कंपनसेट करने के लिए नीचे का पानी ठंडा पानी ऊपर आता है. ऊपर आता है तो जो एवरेज टेम्परेचर सरफेस का होता है इट बिकम्स कोल्डर. तो दिस इज हाउ द विंड्स इंपैक्ट द टेम्परेचर. और फिर विंड्स के पानी जब मूव करता है तो पानी की मिक्सिंग भी होती है तो टेम्परेचर पे जो है फ़र्क पड़ता है. तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लैंड मासेस अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द ओशन सरफेस अकॉर्डिंगली. विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स ओशन जो कि यह आपका लैंड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है लैंड टुवर्ड्स द ओशन इस डायरेक्शन में चल रही है अगर टेक अवे वार्म वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट विच रिजल्ट्स इन अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर. तो क्या होता है कि वो वही कह रहा है कि वार्म वाटर को दूर ले जाएगा नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा. तो ओवरऑल जो टेम्परेचर होगा यहाँ का इट विल बी कोल्डर. रिवर्स हैपन्स इन केस ऑफ विंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द कोस्ट इट पाइल्स अप वार्म वाटर अलोंग द कोस्ट. तो अगर इंडिया का हम ईस्ट कोस्ट ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा वार्म वाटर दूर से आके यहाँ पाइल अप हो जाएगा. तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ठंडा पानी हो जाएगा बट यहाँ पर सारा वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा हो जाएगा. सो इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. So this is how the prevailing winds impact the temperature of the ocean. And then we have the ocean currents. Ocean currents ka bhi abhi hum next lectures mein padhenge. Ocean currents kya hote hain? To ocean currents jo hai temperature ko jo hai change karte hain bahut zyada. Iska ek chota sa example hoga ki ek North Atlantic drift hai. North Atlantic current jisko bhi hum bolte hain wo Atlantic Ocean mein hota hai aapke northern hemisphere mein. वो आपकी नॉर्वे की कोस्ट नॉर्वे इज़ अबाउट 70 डिग्री नॉर्थ नॉर्वे की कोस्ट को भी प्रैक्टिकली
24/7 365 days आइस फ्री रखता है. सो नॉर्वे विच इज उसके आसपास का सारा एरिया फ्रोजन है, बट वो कोस्ट जो है क्योंकि वहाँ पे जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है उसके कारण से वो जो है वहाँ पे पानी बर्फ़ जो है मेल्टेड रहती है एंड इट इज़ प्रैक्टिकली आइस फ्री फॉर होल ऑफ द ईयर. उसके कंपैरिजन में आपका न्यूफाउंडलैंड रीजन है विच इज़ ऑन, अगर आपका ये यूएस है, यूएस की जो ईस्ट कोस्ट है, न्यूफाउंडलैंड इज़ अबाउट 60 degrees नॉर्थ, नॉर्वे कोस्ट से 10 degrees नीचे है. बट क्योंकि यहाँ पे कोल्ड लेब्राडोर करंट आता है, एक ये हम पढ़ेंगे, ये भी ये ठंडा करंट होता है और यहाँ पे दिस कोस्ट इज फ्रोजन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे जो ओशन करंट्स हैं इसको इम्पैक्ट करते हैं. देन वी कम टू द, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली कि ये सिंगल मैक्सिमा होता है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, टेम्परेचर जो है घटता रहता है. तो अब हम आते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे कि डेप्थ में कैसे टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है. तो इसके जो जो एक एग्जांपल जो एक प्रोफाइल होती है टेम्परेचर की, इट्स लाइक दिस विच इज शोन इन दिस फिगर. इसके तीन मेन रीजन होते हैं. फर्स्ट रीजन इज दिस वन, यहाँ पे प्रैक्टिकली टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज करता है. देखेंगे 20 से इट इज़ अबाउट 22 degrees, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 22, 21.7, 21.8 की रेंज में ही है. ज़्यादा टेम्परेचर वेरी नहीं करता है कुछ डेप्थ तक, क्योंकि सनलाइट वहाँ पे आती है वहाँ तक भी, तो विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. और क्योंकि वाटर की मिक्सिंग भी होती रहती है सरफेस पे ओशन करंट्स के कारण, तो टेम्परेचर मोर और लेस सेम रहता है. उसके बाद एक रीज़न आता है फ्रॉम दिस टिल दिस, जहाँ पे डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती बट टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है. तो दिस रीजन एक्सटेंड्स फॉर अप टू 1000 meters और से 1200 meters. दिस इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन. थर्मोक्लाइन मीन्स फॉल, थर्म मीन्स टेम्परेचर, और फॉल ऑफ टेम्परेचर. दिस इज अ वेरी रैपिड फॉल ऑफ टेम्परेचर. तो दिस इज द थर्मोक्लाइन रीजन. एंड थर्ड इज देन द डीप ओशियन, जहाँ पे टेम्परेचर मोर और लेस रिमेंस द कॉन्स्टेंट. डेप्थ कितनी बढ़ती रही क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इट्स नियरली ज़ीरो, तो जो टेम्परेचर फिर है इतना ज़्यादा घटता नहीं है, और घटता भी है तो बहुत धीरे धीरे घटता है, टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो. तो ये तीन रीजन होते हैं. तो दिस इज़ वट इज़ रिटन इन द साइड, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट. टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल इज़ यूज टू स्टडी टेम्परेचर चेंजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ एंड इट इज़ अ थ्री लेयर सिस्टम. तीन लेयर होती हैं इसमें. दिस इज़ लेयर ए, दिस इज़ लेयर बी एंड दिस इज़ लेयर सी. There is a boundary region starting just below the surface and running till about 500 meters downwards. ये 500 meter तक आता है almost. The temperature remains more or less the same in range of 20 to 25 degrees Celsius due to the presence of sunlight and intermixing of water. तो ये कह रहा है कि sunlight के कारण और water की intermixing के कारण temperature more or less same रहता है यहाँ पे. This layer is present throughout the years in tropical areas, but in mid latitudes it develops only in summer. हाँ, एक important point ये है कि tropical and subtropical areas में क्योंकि sunlight पूरे साल रहती है, सिर्फ थोड़ा रेनी सीजन होता है, बट प्रैक्टिकली कोई आइस वगैरह तो कोई होती नहीं है वहाँ ज़्यादा. तो दिस लेयर इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, बट मिड लैटिट्यूड में ये जो लेयर है सिर्फ समर सीजन में आता है, जब धूप होती है प्रॉपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन विच इन क्लाइमेटोलॉजी. तो फिलहाल के लिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी ज़्यादा सनलाइट आती है समर में, तो ये लेयर थोड़ी डेवलप हो जाती है. पोलर रीजन में इट इज़ कम्प्लीटली एबसेंट, वो तो टेम्परेचर पूरा पूरा ही ऑलमोस्ट ऐसे ही आता है, सीधा जीरो टेम्परेचर है और जीरो वो लेयर सीधी ही आती है. देर इज़ नो थर्मोक्लाइन लेयर ऑल्सो. देन इन द सेकेंड लेयर द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल रैपिडली टिल 1000 meter डेप्थ. दिस रीजन इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन. तो ये थर्मोक्लाइन लेयर होती है. तो एंड द थर्ड लेयर इज द टेम्परेचर रिमेन्स मोर और लेस अनचेंज एट अबाउट 0 degrees Celsius. तो 90% ऑफ द वाटर इज फाउंड इन दिस. तो क्योंकि अब देखिए 6000 meters तक की डेप्थ हो सकती है और ये है सिर्फ 1000 meter के आसपास तक का एरिया, तो 90% ऑफ एरिया जो है वो डीप ओशन वाटर का ही होता है. और 5000 meter ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट इज वाटर इज फाउंड इन दिस एरिया. दिस इज़ वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड्स अप टू ओशन बॉटम. इन पोलर रीजन्स द टेम्परेचर इज क्लोज टू 0 degrees. सो देर इज़ ओनली वन लेयर एंड टेम्परेचर चेंजेस विद डेप्थ इज नेग्लिजिबल. तो पोलर रीजन में क्योंकि टेम्परेचर होता ही बहुत कम है, इट इज़ नियरली ज़ीरो, तो ये टेम्परेचर कुछ इस तरह से होता है. इनफैक्ट नहीं, ये बढ़ता तो नहीं है बट
इट इज़ लाइक दिस ओनली अ स्ट्रेट लाइन गोइंग डाउन ऑलमोस्ट. तो थर्मोक्लाइन लेयर ए कह लीजिए होती है या तो डेप्थ तक, या लेयर सी जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस टिल बॉटम, बट लेयर बी एबसेंट होती है कम्प्लीटली. सो दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. अब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा मैप वाइज देख लेते हैं कि दिस इज योर इक्वेटर. तो आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास जो है 28 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर यहाँ पे, और उसके बाद फिर आगे घटता जा रहा है 25, 20, 15, 10, और यहाँ पे 25, 28 डिग्रीज की लेयर यहाँ ज़्यादा नहीं होती क्योंकि लैंड मास का फर्क आ जाता है. लैंड मास होने के कारण एवरेज टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. सदर्न हेमिस्फेयर में 25 डिग्री इज़ द मेजर पार्ट कवरिंग द ओशन सर्फेस. 28 डिग्रीज की लेयर जो है कुछ ये लेयर होती है यहाँ पे बस माइनर सी विच इज सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स. तो उसके बाद जैसे जैसे आप देखेंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टेम्परेचर घटता जा रहा है 25, 20, 15, 10 and 5 डिग्रीज. बस थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे जो आइसोथर्म्स एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोथर्म्स का, आइसो मीन्स सेम्स, थर्म्स मीन टेम्परेचर. सो आइसोथर्म्स आर लाइन्स ज्वाइनिंग द सेम टेम्परेचर रीजन. तो अगर ये इस पूरी लाइन पे कहीं भी आप जाएंगे टेम्परेचर आपको हर जगह 20 डिग्री ही मिलेगा, इस लाइन पे 25 डिग्री मिलेगा. सो दिस इज़ हाउ यू नो दिस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज स्टडीड. तो आप देखेंगे कि आइसोथर्म्स जो है सदर्न हेमिस्फेयर में इट्स मोर और लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स. अगर आपकी ये लैटिट्यूड्स की लाइन है तो उनके बिल्कुल पैरेलल ही जा रही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका जो कॉन्टिनेंट एरिया है वो एबसेंट है. इट डजेंट चेंज द टेम्परेचर. हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन टेम्परेचर की लैंड मास जो है टेम्परेचर को चेंज करता है. बट क्योंकि नदर हेमिस्फेयर आप देखेंगे पूरा ही ऑलमोस्ट ये एरिया लैंड से कवर्ड है, तो जो आसपास के एरिया हैं इन पे टेम्परेचर का फर्क रहेगा. तो द लाइन्स आर नॉट सेम एंड पैरेलल टू द लैटिट्यूड. सो दिस इज द डिफरेंस इन नदर हेमिस्फेयर एंड सदर हेमिस्फेयर. यू कैन जस्ट यू नो गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दिस ग्राफ. थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. Then we come to the another concept which is called the salinity. So simple terms में देखें salinity is amount of salt dissolved in ocean water and not just any quantity but 1000 gram of ocean water. जितना भी salt उसमें dissolved होता है this is called salinity and it is expressed in terms of parts per thousand PPT, और इसको हम मिल भी कहते हैं और माइल भी कहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. इसका सिंबल होता है ऐसे दिस वन, जैसे परसेंटेज सिंबल होता है परसेंटेज की जगह यहाँ पे देयर आर टू जीरोस. तो दिस इज द सैलिनिटी. देन नॉर्मल वाटर जो होता है उसकी सैलिनिटी इज अबाउट 24.7 PPT. उसके बाद इट इज कॉल्ड ब्रैकिश. जो ओशन वाटर है इट इज कॉल्ड ब्रैकिश क्योंकि उसकी सैलिनिटी 24.7 से ज़्यादा ही होती है मोस्टली. तो हाईएस्ट सैलिनिटी के एग्जांपल है ये यूपीएससी प्रीलिम्स टाइप में एक बार फैक्चुअल क्वेश्चन में दे कैन बी आस्क्ड कि सबसे ज़्यादा जो आपकी सैलिनिटी है वो कहाँ होती है. इट इज़ इन लेक वन विच इज़ इन टर्की. इट इज़ अबाउट 330 PPT. डेड सी इट इज़ अबाउट 238. देन ग्रेट सॉल्ट लेक इट इज़ 220 PPT. डेड सी इज कॉल्ड डेड सी बिकॉज इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है सैलिनिटी के कारण कि यू नो एवरीथिंग जस्ट फ्लोट्स ऑन इट, नथिंग गेट्स ड्राउन. तो इसीलिए इसको डेड सी कहते हैं, बट दैट्स समथिंग एल्स. तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे कि टॉप के तीन कौन से हैं. थोड़ा गूगल सर्च करके आप ये भी देख लीजिए कि मिनिमम सैलिनिटी कहाँ पे होती है. तो दोनों एंड जो आपके कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम सैलिनिटी एंड मिनिमम सैलिनिटी. देन दीज आर द सॉल्ट्स, कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन ओशन वाटर अलॉन्ग विद देयर परसेंटेज. तो क्लोरीन के, सोडियम के, सल्फेट के सॉल्ट जो है इस प्रोपोर्शन में होते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस, ये कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में दे कैन बी आस्क्ड. देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सैलिनिटी. तो अब सैलिनिटी में दो पार्ट हो गए, या तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इट इज़ 1000 ग्राम्स और अमाउंट ऑफ सॉल्ट से इट इज़ 24.7 से इट इज़ दिस इज एवरेज. सो अगर हम यहाँ तो इस सॉल्ट को घटा बढ़ा दें या हम इस वाटर को घटा बढ़ा दें आपकी सैलिनिटी जो है चेंज हो जाएगी. तो हम इसको 25 कर देते हैं, योर सैलिनिटी विल इंक्रीज बाय 0.3. हम वाटर को इसको 1050 ग्राम्स कर देते हैं, योर सैलिनिटी विल डिक्रीज. तो दिस इज हाउ सैलिनिटी चेंजेस. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो अब एक चीज़ देखिए कि जहाँ सनलाइट हो रही है, सनलाइट होगी तो इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होगी तो पानी उड़ जाएगा, पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, पानी की क्वांटिटी कम होगी बट सॉल्ट रिमेंस द सेम तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। प्रेसिपिटेशन के केस में रिवर्स होगा, पानी आएगा, सॉल्ट इज सेम 24.7, पानी भर के हो गया 1050 जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो सैलिनिटी आपकी कम हो जाएगी। देन एडिशन और रिमूवल ऑफ फ्रेश वाटर, ये तो इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन का भी केस इसी तरह का ही होगा कि प्रेसिपिटेशन इज एडिशन, इवेपोरेशन इज रिमूवल, बट इट इज़ मोर और लेस लिंक टू रिवर्स और आइस के मेल्ट होने से या वाटर के फ्रीज होने से, मेल्टिंग और थॉइंग ऑफ आइस। तो इट्स अगेन द सेम केस कि रिवर माउथ के पास जो आपकी सैलिनिटी है इट इज़ लेसर क्योंकि पानी ऐड हो रहा है। जहाँ पे आइसबर्ग्स वगैरह होते हैं जब आपकी विंटर्स में जब आपकी जो आइस है जो फ्रीज हो जो वाटर फ्रीज हो जाता है तो सैलिनिटी बढ़ जाती है, समर में वही ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाते हैं तो सैलिनिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो दिस इज एडिशन और रिमूवल ऑफ फ्रेश वाटर। देन विंड, तो विंड क्या करती है आपकी, जैसे आपने टेम्परेचर के केस में भी देखा था कि पानी को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं हाईली सैलाइन वाटर मूव्स टुवर्ड्स दी लोअर सैलाइन वाटर। तो ये ग्लोबल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इज कि हाई टेम्परेचर वाटर मूव्स टुवर्ड्स दी लो टेम्परेचर वाटर एंड वाइस वर्सा, एंड हाईली सैलाइन वाटर मूव्स टुवर्ड्स दी लो सैलाइन वाटर एंड वाइस वर्सा। सो देयर इज ग्लोबल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विंड का आपने जैसे जो कि टेम्परेचर पर इफेक्ट था वो सैलिनिटी पे भी इफेक्ट आता है। देन वी हैव द ओशन करंट, सेम इफेक्ट है कि पानी जब ट्रांसफर हो रहेगी पानी की सैलिनिटी अलग अलग होगी, सेम सैलिनिटी ऑफ वाटर एक साथ रहेगा तो वो मिक्स नहीं होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट सैलिनिटी के वाटर जब अलग अलग जगह पे जाएंगे तो सैलिनिटी पे इंपैक्ट होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो बिफोर वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस स्लाइड, तो सैलिनिटी के बारे में भी वही ग्राफ पढ़ते हैं जो हमने वहाँ टेम्परेचर के केस में पढ़ा था। This is your 90 degrees north, this is your 90 degrees south and this is your equator. तो जैसा कि हमने टेम्परेचर के केस में पढ़ा था कि टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है तो इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, तो सैलिनिटी उतनी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो इक्वेटर शुड हैव दी मैक्सिमम सैलिनिटी, और क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर घटता रहता है तो सैलिनिटी का भी सेम ग्राफ ऐसा आना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस। क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड 4 o'clock रेनफॉल। हर शाम को दिन में गर्मी होती है, पानी इट गेट्स इवेपोरेटेड, ऊपर जाता है, इट गेट्स कंडेंस्ड और वो रेनफॉल की तरह इवनिंग में 4 बजे वापस रेन हो जाती है। इक्वेटोरियल रीजन्स में मोस्टली ये फिनोमेना देखने को मिलता है, इट इज़ कॉल्ड 4 o'clock रेनफॉल। तो ये पानी जब ऐड हो जाता है तो दिन के टाइम पे सैलिनिटी बढ़ रही है, शाम के टाइम पे सैलिनिटी कम होगी, तो इक्वेटर रीजन्स पे इक्वेटर रीजन में सैलिनिटी इज अ बिट लोअर कंपेयर्ड विद द सब ट्रॉपिकल रीजन। आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि जैसे आपका इंडिया का लैंड मास हो गया नियर मध्य प्रदेश, और अगेन द सेम रीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जो ये पूरा रीजन हो गया आपका, तो इसमें क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लैंडमास भी है तो लैंडमास के कारण टेम्परेचर और ज़्यादा है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बट वो बारिश नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि सैलिनिटी इज़ हायर कंपेयर्ड विद द इक्वेटर रीजन। तो क्या होता है कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू सब ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज़ योर 23 नॉर्थ एंड साउथ एंड दिस इज योर 66 नॉर्थ एंड साउथ। तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टिल सब ट्रॉपिकल रीजन द सैलिनिटी इंक्रीजेस विच इज अपोजिट ऑफ द टेम्परेचर ग्राफ, और उसके बाद इट फॉलोज द टेम्परेचर ट्रेंड, क्योंकि फिर आपकी इंसुलेशन ही घट जाती है तो टेम्परेचर इज मोर और लेस यू नो नेग्लिजिबल, कम होना शुरू होता है, तो इवेपोरेशन भी कम होती है और प्रेसिपिटेशन का भी इतना इफेक्ट नहीं होता, तो देन इट फॉलोज द नॉर्मल ट्रेंड एंड इट विच इज लाइक दिस। तो सिंस इट हैज़
two peaks, it is called double maxima. तो ये ग्राफ अगर आपको याद हो गए, टेम्परेचर का ग्राफ एंड आपका सैलिनिटी का ग्राफ, तो आपके ये कॉन्सेप्ट दोनों एक तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे. दिस इज सिंगल मैक्सिमा एंड दिस इज डबल मैक्सिमा. दिस इज टेम्परेचर, दिस इज सैलिनिटी. तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी टू लर्न. उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, किस ओशन की कितनी है, वो इसमें फैक्ट्स डाल दिए हैं. यू कैन जस्ट रीड इट योर टेल्टे क्वेश्चन की एवरेज 36 to 37 पीपीटी, क्योंकि वो अलग अलग रीजनल फैक्टर्स जो है वो वेरी करते हैं कि कहीं पे रिवर वाटर ज़्यादा एडिशन हो रहा है, कहीं पे इवेपोरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, कहीं पर ओशन करंट्स की मिक्सिंग हो रही है, तो वो वेरी करता है थोड़ा थोड़ा. तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो उसको यू कैन जस्ट स्किप इट. तो इसके अलावा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है. तो सैलिनिटी इंक्रीजेज इनिशियली फ्रॉम इक्वेटर टिल द सब ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर इट इज मैक्सिमम ओइंग टू ग्रेटर हीट एंड लेस प्रेसिपिटेशन. हीट ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा है एंड प्रेसिपिटेशन कम है. तो उसके बाद ये इट डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल्स. तो ये सेम कॉन्सेप्ट जो है आपका लिखा हुआ है उसमें, तो यू कैन जस्ट रीड इट. एंड दिस इज द ग्राफ एक्सप्लेनिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी. तो इफ़ यू सी दिस इज योर इक्वेटर 0 degree, तो ये देखेंगे यहाँ पे आपकी 36, समवेयर इट इज 34, 35 है. बट एज वी मूव टूवर्ड द सब ट्रॉपिकल रीजन, ये देखेंगे आप इसका 36, ये 37 तक भी हो गया. यहाँ पे ये 34 है क्योंकि लैंड मास आ गया यहाँ पे, तो इट्स अबाउट 33. बट यहाँ पे देखेंगे आप तो इट इज़ 34, इट इज़ 35 नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और फिर जैसे जैसे हम हायर जा रहे हैं तो टेम्परेचर, सॉरी आपकी सैलिनिटी जो है ये घटती जा रही है, 35, 33 एंड सेम पैटर्न इज फॉलोड हेयर. एक चीज़ और, ये और भी यहाँ पे कि यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर वाला ये होता है फिनोमिना कि जो आपकी आइसो हाइट्स बोलते हैं इनको, तो दीज लाइन्स आर मोर ऑर लेस पैरेलल टू द योर लैटिट्यूड्स. तो ये ग्राफ थोड़ा सा आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे कि कौन सा जो एरिया है उसकी कितनी सैलिनिटी है. दैट रीजन वाइज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतनी, बट एक पैटर्न हमें याद रखना है कि इक्वेटर टिल सब ट्रॉपिकल इट इज़ इंक्रीजिंग और उसके बाद ये फिर डिक्रीज हो रहा है, तो डबल मैक्सिमा हमारे पास पैटर्न आता है इसका. सो दिस इज़ अबाउट दिस सैलिनिटी. देन वी कम टू दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी. इसमें भी सेम टेम्परेचर की तरह ही थ्री लेयर एक होती हैं. एक होता है कि जहाँ मोर ऑर लेस सैलिनिटी आपकी कम रहती है, ए. देन वी हैव अ रीजन वेयर द सैलिनिटी चेंजेस. यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इज नॉट फिक्स्ड. सैलिनिटी में इंक्रीज, सैलिनिटी में डिक्रीज विद डेप्थ, इट डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड. तो दिस इज कॉल्ड दी हेलोक्लाइन. जनरली हेलोक्लाइन इज द रीजन वेयर सैलिनिटी डिक्रीजेज. क्लाइन मीन्स डिक्रीज. तो बट कुछ पोलर लैटिट्यूड्स पे दिस पैटर्न चेंजेस, ये क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की जो ओशन की सैलिनिटी है वो बढ़ती है, तो थोड़ा सा ट्रेंड इसमें रिवर्स होता है. बट मोर और लेस कॉन्सेप्ट इज सेम. देर आर थ्री लेयर्स, ए, बी एंड देन कॉन्स्टेंट, इट डजेंट चेंज मच. तो क्योंकि सरफेस पे जो है आपकी सैलिनिटी जो मिक्सिंग होती रहती है करंट के टेम्परेचर वाला ही कॉन्सेप्ट है. वेयर सरफेस वाटर इज लो, सैलिनिटी इज हायर लाइक इन सब ट्रॉपिकल रीजन. वाइल एट प्लेसेज वेयर वाटर इज एडिड, सैलिनिटी इज लेस लाइक इन रिवर डेल्टा. ये कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे जो सैलिनिटी वेरी करती है सरफेस पे. At depth, it is more or less fixed as no little addition or subtraction happens. क्योंकि ये depth पे तो कुछ addition or subtraction होता नहीं है, temperature वाला ही case है. तो less saline water lies above, more saline one, hence salinity increases with depth. एक reason क्या है कि जैसे जैसे salinity आपकी you move down, आपकी salinity बढ़ती रहती है. क्यों, क्या होता है कि salinity जितनी ज़्यादा होगी water की density भी उतनी ज़्यादा होगी. It's very logical कि कोई चीज़ अगर कि वाटर में हम किसी चीज़ में ऐड कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा. तो क्योंकि वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो वो चीज़ नीचे जाने की कोशिश करेगी. लाइटर थिंग्स विल बी ऑन द सरफेस. तो इफ़ इट्स सैलिनिटी इज 33, इसकी 35 होगी, इसकी 37 होगी, तो एक लेयर्स बन जाएंगी हमारे पास अलग अलग. तो एक जोन होता है वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज शार्पली, विच इज़ कॉल्ड द हेलोक्लाइन.
क्योंकि जोन यहाँ पे शार्पली इसकी जो सैलिनिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे इसकी सैलिनिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है। अभी देखने समझने की कोशिश करेंगे क्यों हो रहा है। दिस इज़ से योर सब ट्रॉपिकल, दिस इज इक्वेटर से शुरू करते हैं पहले, दिस इज़ योर इक्वेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज दिस देर इज सम सर्टन सैलिनिटी से 34 ppt। यहाँ पे क्या होगा कि जब बारिश होगी तो पहले तो क्या होगा कि इवेपोरेशन जैसे ही होती है तो जो आपका जो तो जैसे इसमें से 34 ppt आपका सरफेस सैलिनिटी है आपकी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इवेपोरेशन होने लगी, इवेपोरेशन होने से क्या होगा कि जो सरफेस का वाटर है उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा एकदम से। सैलिनिटी उसकी बढ़ेगी तो दिस लेयर विल हैव मोर सैलिनिटी, क्योंकि पर नीचे की लेयर्स में सनलाइट ज़्यादा जाती नहीं है, इतना ज़्यादा सैलिनिटी में चेंज होता नहीं है, तो दिस लेयर सी अ डिक्रीज इन सैलिनिटी दो इट हैपन्स फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड, बट दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व एट द इक्वेटर एंड देन इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। सब ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी जो है शाम को पानी वापस आ जाता है प्रेसिपिटेशन से, सब ट्रॉपिकल रीजन पे सिर्फ इवेपोरेशन ही होती है, देर इज़ नेग्लिजिबल प्रेसिपिटेशन। तो सरफेस का जो सैलिनिटी है इट इज़ वेरी हाई से अबाउट 37, और इस डेप्थ तक तो मोर ऑर लेस सेम ही रहता है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज़ करता है सैलिनिटी, और उसके बाद देन इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी सी अ डिक्रीज ऑफ सैलिनिटी इन हेलोक्लाइन रीजन। पोलर रीजन में क्या होता है क्योंकि आपकी इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका आता है कि लेयर्स बन जाती हैं, तो धीरे धीरे जो आपकी जो अलग अलग लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती रहती है एंड देन इट एट द बॉटम इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। सो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहता है इसका कंपेयर विद टेम्परेचर, इफेक्ट टेम्परेचर का ही है बट इसमें थोड़ा प्रेसिपिटेशन का इफेक्ट भी आ जाता है, तो वी हैव सर्टन डिफरेंट पैटर्न। तो इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखेंगे, दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। सो दिस वॉज अबाउट टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज फॉर मैनी अदर ऑब्जर्वेशंस, एलनिनो की स्टडी के लिए, की एलनिनो की प्रिडिक्शन के लिए टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज़ यूज, प्रेशर इज़ यूज, तो दीज आर यू नो एक्सटेंसिवली यूज बाई साइंटिस्ट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस इफ़ यू थिंक समथिंग इज़ मिसिंग, प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग, कि कुछ भी चीज़ रह जाएगी तो विल श्योरली, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए एक हम वीडियो बनाएंगे, तो इसके लिए भी वट एवर वी थिंक इज़ नेसेसरी फॉर यू राइट नाउ विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।